नमस्कार, प्रदेश तक में आपका स्वागत है। मैं हूं इलमान खान। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह की सत्ता को कमलनाथ ही चुनौती दे पाए हैं। 2018 के चुनाव में कमलनाथ ने मध्य प्रदेश में शिवराज के तिलिस्म को तोड़कर बता दिया था कि बीजेपी की गढ़ को भी ढहाया जा सकता है। इससे पहले कांग्रेस ने पूरी ताकत लगाई थी, लेकिन शिवराज सिंह चौहान हर बार अपनी सीटें बढ़ाते चले गए। जैसे ही प्रदेश कांग्रेस की कमान कमलनाथ के हाथों में आई, उन्होंने ऐसा चक्रव्यूह बुना कि बीजेपी लाख कोशिशों के बावजूद भी कमलनाथ के सामने टिक नहीं पाई। मध्य प्रदेश कांग्रेस को संभालते ही सबसे पहले कमलनाथ ने पार्टी के संगठन को मजबूत किया। प्रदेश के सभी वर्गों और समाज के सभी तबकों को उन्होंने कांग्रेस से ला मिलाया। प्रदेश कार्यकारिणी में सभी वर्गों को साथ रखने की कोशिश से नीचे तक ये संदेश गया कि कमलनाथ सभी को साथ लेकर चलना चाहते हैं। पार्टी में बुजुर्गों को सम्मान मिला, नौजवानों को मौका और महिलाओं को बराबरी। पूरी पार्टी जोश से भर गई। पार्टी पर काम करने के बाद कमलनाथ ने जनता के मुद्दों को पकड़ा, उनकी नब्ज जानी। सबसे पहले किसानों की कर्ज माफी के मुद्दे को उठाया। उन्होंने वादा किया कि सरकार बनते ही किसानों का कर्ज माफ कर दिया जाएगा। इसके साथ ही बेरोजगारों को 10,000 रुपए महीना प्रति महीने दिए जाएंगे। बेटियों के विवाह के लिए 51,000 रुपए देने का वादा किया। सभी पंचायतों में एक गौशाला बनाने का वादा करके कमलनाथ सीधे आम जनता तक पहुंच गए। कमलनाथ ने कहा कि महिलाओं को सक्षम बनाने के लिए उन्हें स्वयं सहायता समूह से जोड़ा जाएगा। कांग्रेस ने मंडी शुल्क को 1% करने का भी वादा किया। यही नहीं, कमलनाथ ने वादा किया कि राज्य में कांग्रेस सत्ता में आती है तो दैनिक वेतन भोगी और सफाई कर्मचारियों को भी स्थायी किया जाएगा। प्रदेश कांग्रेस की जनता ने कमलनाथ के वादों पर भरोसा किया। जनता पहले ही कमलनाथ का छिंदवाड़ा मॉडल देख चुकी थी। कमलनाथ जैसे दमदार नेता और इन वादों के जरिए ही कांग्रेस 2018 के चुनाव में जीत दर्ज कर पाई। चुनाव के बाद सत्ता संभालते ही कमलनाथ अपने वादों को पूरा करने में जुट भी गए, लेकिन तभी सिंधिया समर्थकों ने कांग्रेस की सरकार गिरा दी। बावजूद इसके कमलनाथ विपक्ष में बैठकर भी जनता की आवाज बुलंद करते रहे। अब 2023 के चुनाव के लिए भी कमलनाथ का चक्रव्यूह तैयार हो रहा है। बारी बारी से सभी वर्गों को साथ लाने की कोशिश हो रही है। बहुत मुमकिन है कि कमलनाथ की अगुवाई में भी कांग्रेस 2023 के चुनाव में भी 2018 की कहानी फिर दोहरा दे। आप सभी दर्शकों से हमारी गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने प्रदेश तक को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें। हमारा वादा है कि हम आपसे जुड़ी हुई हर खबर को आप तक जरूर पहुंचाएंगे।